जैसी मैंने मांगी थी वैसी भाभी पाई। Ooh, this one's going to be interesting because you know it's got bhabhi. In this messed up world, jahan aaj ki generation ko porn mein story chahiye aur movies mein porn. Let's rewind to the era when the only thing people wanted to see is some unrealistically happy family with super unrealistic characters jinke paas phate tak paisa aur gale tak sanskar hua karte the. Basically it was a time jab triple X nahi triple S chalta tha. Sundar, Sushil, samajhdar. So be ready for the rich family version of Nadia Ke Paar jisko pakka Modi ji ne dekha tha before giving us the first janta curfew task. Hum aapke hain kaun? Suraj Bharjatiya is back. जिनकी मूवीज में हीरो अपनी हीरोइन के बाल के अलावा आज तक कुछ और नहीं खोल सका. Brings you a movie with great message कि हर आदमी भगवान होता है. ससुर जी पिता है, पति देवता है, देवर छवि कृष्ण की. भाई लड़की वाले हैं, झुकना तो पड़ेगा ही. Be ready for a movie कम किसी की शादी का वीडियो ज्यादा with 16 songs. Seriously, we counted. एक घंटे का तो सिर्फ गाना है इस मूवी में, including engagement song, शादी song, विदाई song, कोद भराई song, breakup song, song where they're trying to imitate animals. एंड द सॉन्ग इसके बिना आज तक अंताक्षरी शुरू नहीं हुई. समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम. चलो मजे गाओ. कैलाश नाजी राजेश के लिए दुल्हन की तलाश में है, बट शी मस्ट बी सुंदर, सुशील, समझदार. एंड दिस बहु सर्चिंग समहाउ एंड्स अप एट अ खुलेआम फ्लर्टिंग बिटवीन समधी एंड समधन जी. गाने बैठे गाना सामने समधन है, ये बनारस की साड़ी खूब सजे. They're flirting, right? Suna dijiye na. They're definitely flirting. You know, it's all fun and games till the shit happens in real life. Samdhan ji, ye man bhi kitna baav raha hai. A love story of Rajesh and Pooja, who really needs to do something about her constant sweaty armpits. Probably because she's, you know, super hot. Wait, she's the one from that 90s show with super depressing title song. Same here, man. Same here. देखिए किस तरह राजेश पहली बार पूजा से मिलता है, who straight up look like a grinning face emoji. बहुत अच्छी पेंटिंग है. Thank you. और पहली ही नजर में पूजा भी फैसला कर लेती है कि अब उसे अपनी सारी जिंदगी राजेश के घर के किचन में बितानी है. सीरियसली, शादी के बाद बहन या तो खाना बना रही होती है या फिर फ्रूट्स काट रही होती है, लेकिन क्रिकेट खेलते वक्त सबको पता चल जाता है कि राजेश ग्राउंड में शॉट नहीं बल्कि बेडरूम में शॉट लगाने के फिराक में है. मेरे घर वाले तो टीवी में इतने के लिए भी ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं. लेकिन ये सब बच्चे किसके हैं भाई? उसमें से एक को तो बाल में जू मिल गई एंड ही इज लाइक लेट मी किल दिस बिच रियल क्विक. लेकिन घर का मेन कैरेक्टर है प्रेम. ही इज द ओनर ऑफ अ कार फैक्ट्री जिसकी खुद की जीप ऐसी दिखती है जैसे स्कूल के नोटबुक में लास्ट का दो पेज हो. देखिए किस तरह प्रेम पूजा की बहन निशा को इम्प्रेस करता है बाय शोइंग ऑफ हिज टैलेंट. लगता है इम्प्रेशन जमाना पड़ेगा. रन इधर टफी की भी फटी पड़ी कि कहीं ये बाद में ये ना बोल दे कि गाड़ी कुत्ता चला रहा था. उसकी तो जीप में भी लिखा हुआ है ट्राई टू कैच मी नो चांस. कुडंट अग्री मोर प्रेम, कुडंट अग्री मोर. निशा इज अ स्मार्ट गर्ल. तुम कंप्यूटर्स कर रही हो? वाओ. बट हु गिव्स अ शिट बिकॉज़ ऑल शी डज इज कुकिंग, सर्विंग, कटिंग फ्रूट्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ये बहन सुपली में गाजर साफ करती है. कंप्यूटर्स. लेकिन फिर पूजा गिर जाती है हिस्टेरिकली. जीती रहो. लेकिन मरने से पहले ये कुछ कह रही है. कह रही है कि तुम दोनों की शादी करने के प्लान की गांड मार के जा रही हूँ. जीती रहो. और पूजा की अस्थियां बहा के घर वापस आने पे सारा घर उसे बहुत मिस कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें राजेश का घर फिर से बसाना चाहिए. और तभी राजेश को याद आता है कि साली होती है प्यारे आधी घर वाली. और ये खबर सुन के प्रेम बहुत दुखी है, लेकिन फिर वो कहता है कि मान जाओ भैया, अबे शादी होगी तो गर्लफ्रेंड भाभी बन जाएगी और भाभी माँ समान होती है, माल समान नहीं. और इसी के साथ कैलाशनाथ जी राजेश और निशा की शादी फिक्स कर देते हैं क्योंकि अब बार बार न्यू समधन जी कौन खोजे. और ऐसे में टफी के ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ती है और सूरज भर जाता है कि मूवी में स्पॉटलाइट मतलब शिट अबाउट टू गो डाउन. देखिए किस तरह निशा अपना ब्रेकअप लेटर एक रुमाल जो लिटरली सभी इंडियन मॉम्स के पास होता है में रैप करके प्रेम को देने के लिए कहती है एक कुत्ते को. टफी मेरा एक काम कर दो. It's a dog. All they can do is sniff other dog's butthole. लेकिन टफी नहीं चाहता कि बाद में प्रेम और निशा राजेश का खून करके भाग जाए. अरे मैं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखता हूँ, उसमें ऐसा ही होता है. और अब राजेश को सब पता चल चुका है. मैं ही नहीं समझ पाया कि तू मुझे क्या कहना चाह रही थी.
Are you fucking kidding me? वो दोनों पूरी दुनिया के सामने चिड़ी मारी कर रहे हैं और ये बोलते हैं मैं ही नहीं समझ पाया। अब बोलते कि ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे गाने के शुरू में पूजा के बाल छोटे होते हैं और गाने के बीच में ही लंबे हो जाते हैं। बोलते कि ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे निशा के बाल फंक्शन से पहले छोटे होते हैं और उसी शाम को लंबे हो जाते हैं। ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे इस मूवी में एस ग्रैबिंग को संस्कारिंगली दिखाया गया है। और इसी के साथ प्रेम को निशा और कैलाश नाथ जी को सुशील सुंदर और समझदार समधन जी मिल जाती है। समधन जी सुना दीजिए ना, हम आपके हैं कौन? That's a valid question because you know, पहले रिश्तेदार, फिर girlfriend, फिर almost भाभी, फिर wife, आगे पता नहीं क्या क्या। यार इंडिया की कौन सी विदाई में लोग ऐसे बालकनी में चढ़ के झूमते हुए दिखते हैं? ये सालियाँ बड़ी तेज हैं। Oh hello DCs, if you enjoyed the video, make sure you hit that like button, subscribe if you're new, and follow me on Instagram @only_DC, and I'll see you guys in the next one.